हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अबेटा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश नई भर्ती 52,000 को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए। जो अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश नई भर्ती 24 मार्च से आवेदन शुरू। 52,000 इसमें प्लस पद होंगे, एज में छूट मिलेगी और आपका जुलाई में एग्जाम होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश नई भर्ती का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर दोस्तों अगर चैनल पर हमारे पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो इस लाल कलर वाले बटन को आपको दबाना है और इस वीडियो को लाइक करना है और सभी मित्रों में शेयर करना है। और लाल कलर वाले बटन को दबाने के बाद बेल आइकन घंटी को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे तेज स्टडी अपडेटा यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके पास पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से यहां पर 20,000 तक का आपको इनाम दिया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों को इनाम मिलना शुरू हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर आपको जियो फोन, लैपटॉप और आपको टैबलेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको उसका सही जवाब आपको लिखना है। जो अभ्यर्थी वीडियो को लाइक करेंगे सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब, उनका नाम सबसे ऊपर आएगा तो उनको प्राइज यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 90। इसमें से सही जवाब बताना है। जो अभ्यर्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनका नाम सबसे ऊपर आएगा। तो दोस्तों न्यू भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अपडेट आ चुकी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,000 सिपाही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से। ये दोस्तों खबरें ज़्यादा यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं और अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश 52,000 न्यू भर्ती का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको पूरा इस डिटेल सब कुछ आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस 52,000 भर्ती यहां पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में पुलिस ने क्राइम कंट्रोल किया है, लोगों के साथ पुलिस के आचरण में भी बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1.5 लाख पुलिस के पद भरे जाने, इसमें 41,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों 41,000 की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी वो काफ़ी दिनों पहले यानी 2018 के अंदर चल रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बागपत की रिपोर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज वायरल हो रही हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस में 52,000 सिपाही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से। मार्च तक 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती इसी महीने शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति धांधली करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसूखा के तहत कार्रवाई होगी, सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। योगी ने कहा कि मार्च तक 50,000 और पुलिसकर्मियों को भर्ती की जाएगी, इसकी प्रक्रिया इसी महीने शुरू होगी। इस भर्ती को 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। गोरखपुर, बदायूं, लखनऊ में PSC को नई महिला बटालियन में भी बेटियों को नियुक्तियाँ प्रदान की जाएंगी, ये योगी जी का यहाँ पर कहना है। तो दोस्तों मार्च से 24 मार्च से यहाँ पर आप आवेदन दिखाए गए हैं, तो देखते हैं कितनी इस न्यूज़पेपर के अंदर सच्चाई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ तक हमारा मानना है कि ये खबर जो है ये भी पुरानी है और ये भी जो खबर है वो भी पुरानी है और ये भी खबर है वो भी सभी पुरानी है। क्योंकि दोस्तों ये सभी जो खबरें हैं वो एडिट करके यहाँ पर लगाई गई हैं और ये भी यहाँ पर एडिट करके यूपी पुलिस में 52,000 सिपाही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से यहाँ पर लिखे गए हैं। तो दोस्तों 24 मार्च से आपके आवेदन प्रक्रिया यहां पर बताई जा रही है, देखते हैं ऐसी कितनी बड़ी सच्चाई है। दोस्तों हमारा मानना यहां पर है कि ये जो न्यूज़पेपर है बिल्कुल ये फेक साबित होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 24 मार्च से यहां पर आवेदन शुरू हो जाए। ना ही 24 मार्च से आवेदन शुरू होंगे, ना ही फरवरी से, ना ही अप्रैल से। क्योंकि दोस्तों फिलहाल में अभी उत्तर प्रदेश 49,568 वाली भर्ती प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही जेल वार्ड और फायरमैन का एग्ज़ाम भी यहां पर कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों भर्ती प्रक्रिया आने में कभी काफ़ी समय है, क्योंकि दोस्तों अभी भी फिलहाल में ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, तो ये 52,000 वाली भर्ती नहीं आने वाली है क्योंकि इसके लिए समय है। कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि सर 2020 में भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये तो सिंपल कन्फर्म हो चुका है कि 2020 के अंदर भर्ती ज़रूर आनी है।
कुछ यूट्यूबर यह भी कह रहे थे कि 2022 में भर्ती आएगी, अब नहीं आने वाली। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2020 में ही आएगी, उसके लिए समय है। वो भी हम आपको अपडेट बताते रहेंगे, जो भी अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से सत्य एवं सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। कभी भी किसी भी सब्सक्राइबर को नहीं गुमराह किया जाएगा और भी यूट्यूब चैनल की तरह, क्योंकि जो भी अपडेट होगी, जो भी सत्य एवं सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पल पल के यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यूपी पुलिस में 52,000 सिपाही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से, तो देखते हैं दोस्तों कितनी बड़ी सच्चाई निकल के आती है। हमारा मानना तो यही है कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, फिर भी अभ्यर्थियों के मन में क्या राय है, क्या कमेंट करके हमें बताते हैं कि दोस्तों ये तो हमें बिल्कुल फेक लग रहा है। आप हमें भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाना है और सभी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे उनको भी पता चल सके। और दोस्तों एक और बार बता देते हैं कि ये 52,000 वाली भर्ती है वो सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि दोस्तों उससे पहले 41,520 और 49,520 की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर दो कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलरेडी ही पहले से, और इसके लिए यहाँ पर आपके लिए समय मिल रहा है इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर। क्योंकि दोस्तों आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्री में आपको PDF भी दी जाएगी, और दोस्तों आपको कोई भी चार्ज नहीं लगे, और आप टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF भी अवेलेबल हैं, जाकर के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है और हम आपके लिए बहुत जल्दी लाइव टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें और इस भर्ती में अपना नंबर ला सकें। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो पैटर्न रहेगा वो सेम सब कुछ। अभ्यर्थी ये पूछने वाले थे कि एज में छूट मिलेगी। हाँ दोस्तों, एज में आपको छूट जरूर मिलेगी, एज में भी छूट मिलेगी, क्योंकि दोस्तों भर्ती प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा समय तक चलने लगी, क्योंकि 2022 में इलेक्शन होना है दोस्तों, और सरकार को भी इस चीज़ को दिखाना है कि हमने 1.5 लाख पद यहाँ पर भरे हैं। क्योंकि दोस्तों अब तक 90,000 वैकेंसी भर चुकी है सरकार, और उन्होंने जब सरकार बनी थी तो उस टाइम कोर्ट में कहा था कि 30,000 की भर्ती हम हर साल कराएंगे, तो देख सकते हैं 5 साल के अंदर 1.5 लाख वैकेंसी यहाँ पर हो जाती हैं। मगर सरकार ने बहुत ही ज़्यादा भर्ती यहाँ पर कराई, पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, पिछले उसमें पदों की संख्या 541,520 थी, इस बार 49,568। अब दोस्तों यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 52,000 की भर्ती यहाँ पर बहुत बड़ी आने वाली है, तो तैयारी में दोस्तों अभी से आपके लग जाइए, क्योंकि समय आपके लिए काफ़ी लंबा है और आप इस भर्ती के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 200 प्लस स्कोर भी ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होगा, कंपटीशन अब लो रह गया है, क्योंकि इस बार देख सकते हैं कि मेरिट जो आपकी गई थी विद नॉर्मलाइजेशन के 185 पर, OBC की 172 पर नॉर्मलाइजेशन के, तो आप जब 52,000 वैकेंसी में देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ही लो रह जाएगा और सभी का यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि समय बहुत अच्छा है और आप इस बार इसमें 52,000 में भर्ती आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक खबर निकल के आ रही है, किस उपकर से नापी गई अभ्यर्थियों की लंबाई, कोर्ट ने यहाँ पर जवाब मांगा है भर्ती बोर्ड से, कॉन्स्टेबल भर्ती 2018 प्रयागराज। यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से पूछा है कि कांस्टेबल भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों की लंबाई नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया गया, लंबाई जांचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, अभ्यर्थियों की लंबाई इलेक्ट्रॉन उपकरण से नापी गई क्या है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती के चेयरमैन को इन सवालों का जवाब कोर्ट में उपस्थित होकर हलफनामा के माध्यम से देना है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने नीरज कुमार सतीश यादव की अध्यक्षता में दिया है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है नए मेडिकल बोर्ड से जांच का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 के एक अभ्यर्थी को कान की खराबी बताकर मेडिकल बोर्ड से भर करने के मामले नए मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने गौरव कुमार की याचिका पर अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह को सुनकर दिया। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के CMO को निर्देश दिया कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के 3 वरिष्ठ चिकित्सकों को नया बोर्ड गठित कर याचिका के कान की जाँच की जाए। तो दोस्तों कांस्टेबल भर्ती 2018 वाली प्रक्रिया के अंदर लंबाई मापने के कारण यानी कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि किस कारणवश अभ्यर्थियों की लंबाई नापी गई या उनकी लंबाई कम हुई है। तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों को भी दोबारा फिर मौका मिलेगा लंबाई नापने का, और शायद उनकी किस्मत खुल जाए, वो दोबारा पास भी यहाँ पर
हो सकते हैं। ये 2018 वाली भर्ती यानी 49,568 वाली भर्ती प्रक्रिया की यहाँ पर बात चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को लाइक, और यहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट भी पा सकते हैं कोई भी यानी वैकेंसी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आबकारी पुलिस हो, कांस्टेबल कोई भर्ती हो, लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी।